नमस्कार दर्शक मित्रों, इन्वेस्टमेंट मंत्रा के आपके इस यूट्यूब चैनल में मैं केवल जेटी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यूएस और यूके में ये जो बैंकिंग क्राइसिस अनफोल्ड हो रहा है, तो उसके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। ये क्यों हुआ उसके बारे में ब्रीफ में चर्चा करेंगे, और इसके आफ्टर इफेक्ट क्या आ सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में भी हम वीडियो में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, इसके कारण ग्लोबली इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी, बड़ी इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट आ सकता है उनके इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और लॉन्ग टर्म में इस क्राइसिस के कारण कौन सी बड़ी थीम उभर के आ सकती है इन्वेस्टमेंट सेगमेंट के अंदर, उसके बारे में वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा, तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से वीडियो पूरा आपको देखना है। कई सारे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फैक्टर के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, आप कुछ ना कुछ तो सीख के ही जाएंगे। और इसके साथ साथ मेरा अनुरोध रहेगा आप सभी से कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ। दोस्तों, इसके साथ साथ एक अनुरोध और रहेगा, 50% से ज़्यादा जो हमारे व्यू हैं वो नॉन सब्सक्राइबर सेगमेंट से आते हैं, मतलब लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो मैं अनुरोध करूँगा आपसे इन्वेस्टमेंट मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, बट अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और हमें भी उससे बहुत सपोर्ट मिलता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कीजिए। दोस्तों, 1940 में एक मैथमेटिशियन थे जॉन वैन न्यूमैन, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, और उनके एक पार्टनर थे, दोनों ने मिलकर एक थियोरी पब्लिश की, एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसे अब गेम थियोरी कहा जाता है। दोस्तों, बिहेवियर फाइनेंस में गेम थियोरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरी है। इस पे एक बुक भी है, थियोरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक्स बिहेवियर, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। आप चाहें तो ये बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, खरीद भी सकते हैं, इंटरेस्टिंग बुक है, पढ़ी मैंने नहीं है, बट डेफिनेटली बिहेवियर फाइनेंस में जो भी बुक हो वो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो पढ़नी जरूरी है। तो दोस्तों, ये जो गेम थियोरी है वो यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो SVB बैंक में हुआ वो अगर आप देखिए गेम थियरी सजेस्ट करता है। गेम थियरी क्या सजेस्ट करता है? गेम थियरी एनालाइज करता है बिहेवियर, जब किसी सिस्टम में मल्टीपल पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व होते हैं तो वो उनके बिहेवियर को अगर आप देखिए प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है, और कैसे ये बिहेवियर रिवॉर्ड या पनिशमेंट में अगर आप देखें निकल के आता है वो ये गेम थियरी सजेस्ट करता है। दोस्तों, ये जो SVB बैंक का क्राइसिस अनफोल्ड हुआ वो अगर आप देखें बिहेवियर इशू ही था। SVB बैंक में क्या हुआ, SVB बैंक के जो डिपॉजिटर थे वो ज़्यादातर स्टार्टअप्स थे, जो बड़े बड़े भारत के या बाहर के जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप थे उन सारे के सारे स्टार्टअप्स के पूरे डिपॉजिट SVB बैंक, जो US की तकरीबन 2 वीक पहले ये बैंक कोलैप्स हो गई, उनमें ये स्टार्टअप ने अपना सारा का सारा पैसा रखा हुआ था। दोस्तों, क्योंकि स्टार्टअप का पैसा था, बैंक्स के जो मैनेजर थे या CEO थे या जो भी लोग थे उनको लगा कि ये स्टार्टअप तो कंटिन्यूसली फंड रेज कर रहे हैं, इनके पास तो पैसे रहेंगे, तो इनको नियर टर्म में पैसों की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इन्होंने ये जो पैसे थे, मैं बहुत ही अगर आप देखें सिंपल वे में समझा रहा हूँ, इशू थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, बट ये जो उनके पैसे थे उन्होंने लॉन्ग ड्यूरेशन गवर्नमेंट ट्रेजरी में डाल दिए। लॉन्ग ड्यूरेशन गवर्नमेंट ट्रेजरी में उन्होंने ये पैसे डाले, और उन्होंने ये एक रिस्क नहीं समझा कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तब आपके ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन के बॉन्ड हैं उनके प्राइस कटेंगे। दोस्तों, कहा जाता है अगर 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो 10 साल का जो बॉन्ड होता है उसके प्राइस को 10% से गिरना पड़ता है। तो वहाँ तो US में तकरीबन पिछले एक साल में 3% इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो जो ये SVB बैंक बॉन्ड पोर्टफोलियो होल्ड कर रहा था, इवन US के ट्रेजरी के बॉन्ड थे, उनका वैल्यू जो उन्होंने अपने बुक में दिखाया था उसको उनको मार्क टू मार्केट लॉस लेना पड़ता है। तो वहाँ पे बॉन्ड के प्राइस गिर रहे थे कंटिन्यूसली, तो अभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ ही रहा है US में, तो जो जो बैंक लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड होल्ड कर रहे हैं उनके बॉन्ड के प्राइस नीचे जाएंगे, उनको वहाँ पे मार्क टू मार्केट लॉस अपने बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा,
डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट वहां पे बढ़ेगा, बट मार्क टू मार्केट लॉस वहां पे आता है। तो वहां पे ये हुआ कि उनका जो असेट लेवल पे ये जो बॉन्ड थे उनके वैल्यूएशन कम हो गए, और यहां पे फिर असेट लायबिलिटी मिसमैच आ गया कि अगर आपको ये बॉन्ड को लिक्विडेट करना पड़े तो वो जो उनके अनरियलाइज लॉस थे उनको रियलाइज करना पड़ता है। और फिर वहां पे फिर बैंक रन शुरू हो गया कि कुछ लोगों ने शुरू किया बैंक में से अपने डिपॉजिट को निकालना। दोस्तों यहां पे ये गेम थ्योरी का कॉन्सेप्ट आता है, ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति लास्ट में क्रेडिटर नहीं रहना चाहता बैंकिंग सेक्टर में। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोई भी व्यक्ति जो बैंक का क्रेडिटर है वो लास्ट क्रेडिटर नहीं होना चाहता। अगर आप लास्ट क्रेडिटर होंगे तो पॉसिबल है कि आप बाकी सारे जो पहले क्रेडिटर थे उनके जो भी प्रॉफिट हुए उनके जितने भी लॉस वो आप पे आ जाएंगे। तो ये गेम थ्योरी सजेस्ट करता है, और यही है जो बैंकिंग क्राइसिस में हुआ। यहाँ पे एक व्यक्ति ने पैसे निकाले, और यही होता है कि एक व्यक्ति जब पैसे निकालता है तो दूसरा व्यक्ति देखता है वो भी वहाँ पे फिर पैसे निकालता है। बैंकिंग सिस्टम लिवरेज सिस्टम होता है दोस्तों। कहा जाता है विश्व में कोई भी ऐसी बैंक नहीं है जो लिक्विडिटी क्राइसिस को मैनेज कर पाए। अगर बैंक में एक साथ सारे के सारे डिपॉजिटर आ जाते हैं पैसे निकालने के लिए तो कोई भी अच्छी बैंक हो वो कॉलैप्स हो ही जाएगी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर लिवरेज सेक्टर होता है। आप डिपॉजिटर पैसे लेते हैं और उसको आप कहीं और पे अगर आप देखे लैंड करते हैं, या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन अलग अलग सिक्योरिटी में अपने पैसे लगाते हैं, तो वहां पे लिक्विडिटी को मैनेज करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है बैंकिंग सेक्टर में। और SVB में यही हुआ कि उनके पास वो लिक्विडिटी नहीं थी कि वो अपने डिपॉजिटर को जो भी पैसे निकाल रहे हैं उनको वो फुलफिल कर पाए। यहाँ पे इन्होंने ड्यूरेशन रिस्क ले लिया, इंटरेस्ट रेट रिस्क ले लिया, और उसके कारण बैंकिंग सेक्टर में ये बैंक फेल हो गई। डेफिनेटली जो USD गवर्नमेंट थी उन्होंने डिपॉजिट को तो सेव कर लिया, जो भी उनके पास बॉन्ड थे SVB के वो उन्होंने बिना अगर आप देखें लॉस लिए US गवर्नमेंट ने ही खरीद लिए। तो ये भी एक दूसरा टॉपिक है कि क्यों US गवर्नमेंट ने वो खरीदे, और उसके कारण भी अगर आप देखें लिक्विडिटी US गवर्नमेंट ने फिर से इंजेक्ट कर दी किसी सिस्टम के अंदर थिन एयर के अंदर। तो ये भी एक इशू है जिसके कारण एक टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है। तो इसके कारण दोस्तों क्या हुआ कि ये बैंक तो कॉलेप्स हो गई। इसके साथ साथ अब हम देख रहे हैं डशे बैंक, वहां पर भी ये इस प्रकार के कुछ इशू उभर के आ रहे हैं। क्रेडिट स्विस में भी ये कुछ हुआ रिसेंटली। तो दोस्तों ये सारे के सारे अगर आप देखें इशू के कारण ग्लोबली एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है वो देख रहा है बहुत ही ऊपरी लेवल पे। दोस्तों ये बहुत आपको बड़े पिक्चर में देखना पड़ेगा कि US में क्या हो रहा है, UK में क्या हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में ऐसा क्या हो रहा है। SVB बैंक का ये जो केस है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, US की ये सेकंड लार्जेस्ट कॉलैप्स थी। इससे पहले आई गेस 2008 में एक बड़ी बैंक कॉलैप्स, एक बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कॉलैप्स हुई थी, उसके बाद की ये सेकंड लार्जेस्ट कॉलैप्स है SVB बैंक। और दोस्तों यहाँ पे तो ये बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड होल्ड कर रही थी, ट्रेजरी होल्ड कर रही थी, तो भी ये बैंक कॉलैप्स हो गई। और यही एक बड़ा क्वेश्चन उभर के आता है कि अगर एक बैंक जो US ट्रेजरी जो सबसे सेफ माना जाता है वो होल्ड करके भी कॉलेप्स हो सकती है, तो क्या बैंकिंग सेक्टर पूरा का पूरा निवेश के लायक है कि नहीं। और इसके साथ साथ जो US गवर्नमेंट थिन एयर में से पैसे प्रिंट कर लेती है तो उसके कारण भी कई सारे ऐसे इशू उभर के आ रहे हैं, और इसके कारण कुछ अलग अलग असेट क्लास अब चलने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों इसके साथ साथ पैरेलली जब ये SVB बैंक का क्राइसिस हो रहा था उसके पैरेलल में हम जानते हैं कि क्रेडिट स्विस जो स्विट्जरलैंड की एक बैंक है उसमें भी क्राइसिस उभर के आया, और उनका एक बड़ा इन्वेस्टर था सऊदी, आई गेस सऊदी बैंक थी या सऊदी गवर्नमेंट थी, आप कंफर्म कर लेना। तो सऊदी उनका एक बड़ा इन्वेस्टर था और वहीं से वो इशू शुरू हुआ। सऊदी जो उनका बड़ा इन्वेस्टर था, सऊदी गवर्नमेंट थी या बैंक थी, उन्होंने मना कर दिया कि अब हम बैंक को क्रेडिट लाइन नहीं देंगे, क्रेडिट स्विस को हम नए पैसे नहीं देंगे। तो ये क्यों किया उसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। उसके कारण ये क्रेडिट स्विस के पास अगर आप देखें उनमें भी इशू आया, डेफिनेटली UBS आके उसको सेव करके गया, बट डेफिनेटली वहाँ पे भी अगर आप देखें तो जो 81 बॉन्ड होल्डर थे उनको हिट लेना पड़ा, और दूसरे भी अगर आप देखें बैंक के शेयर होल्डर थे उनको भी हिट लेना पड़ा, बट ये एक इशू आया। तो UAE या सऊदी अरेबिया उन्होंने वहाँ पे नया निवेश नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो ये एक बड़ा टॉपिक है कि अब जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बड़े इन्वेस्टर का मतलब होता है बड़ी गवर्नमेंट, जो बड़ी गवर्नमेंट होती है, बड़ी बड़ी
आपकी सऊदी गवर्नमेंट एक बड़ा इन्वेस्टर माना जाता है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ये भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो विश्व भर में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करती है। नॉर्वेजियन गवर्नमेंट पेंशन फंड है वहाँ का, नॉर्वे का, वो भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करता है। इसके अलावा जो बड़े बड़े पेंशन फंड होते हैं वो भी विश्व में बड़े बड़े अगर आप देखें असेट में अपना बड़ा पैसा लगाते हैं। दोस्तों ये जो बड़े गवर्नमेंट होते हैं वो 2-3 साल के लिए कभी पैसे नहीं लगाते, वो स्ट्रेटेजिक निवेश करते हैं 25 साल के लिए, 50 साल के लिए, और कभी कभी तो 100-100 सालों के लिए भी निवेश किया जाता है। ये जो बैंकिंग सेक्टर दोस्तों, यूएस में बहुत बड़ी लॉबी है बैंकिंग सेक्टर की, और इसी के कारण जितने भी बैंकिंग सीईओ हैं या फिर बैंकिंग के बड़े ऑफिशियल हैं वो जानते हैं कि उनके बैंक को कभी ना कभी गवर्नमेंट बचाने आ ही जाएगी। वो कितने भी रिस्क ले ले फिर भी गवर्नमेंट वहाँ पे उनको बचाने आएगी ही आएगी, इसलिए वो रिस्क भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बैंक में जो पैसे हैं वो डिपॉजिटर के पैसे हैं, ये सीईओ के पैसे नहीं हैं या फिर उनके बड़े ऑफिशियल के पैसे नहीं हैं, ये सारे पैसे डिपॉजिटर के पैसे हैं, डिपॉजिटर वहाँ के टैक्स पेयर हैं, गवर्नमेंट वही बनाते हैं, तो गवर्नमेंट को बैंक को तो बचाना ही पड़ेगा, और ये लोग मानते हैं वहाँ पे, और इसी के कारण वो इस प्रकार के रिस्क ले पाते हैं और वहाँ से वो निकल भी पाते हैं और बैंकरप्टसी डिक्लेयर करके वो निकल जाते हैं और फिर नया बिजनेस चालू कर लेते हैं। बट अब ये हो रहा है कि यूएस में एक दूसरा लॉबी खड़ा हो रहा है, मेरे मानने के हिसाब से, मे बी ये गलत भी हो सकता हूँ, यूएस में अब टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़ा लॉबी उभर के आ रहा है और इसके अलावा क्रिप्टो सेगमेंट में भी धीरे धीरे बड़ा लॉबी बन रहा है, और ये दो सेक्टर हैं वो अगर आप देखें बैंकिंग से थोड़े अलग सेक्टर हैं, तो अगर ये लॉबी खड़ा होगा तो वहाँ पे फिर आपके पॉलिटिशियन में भी, पॉलिटिक्स में भी इसका एक इफेक्ट आएगा और फिर बैंकिंग को शायद आगे जाके मे भी बस 10 साल 15 साल 20 साल की बात है, पर इतना सपोर्ट गवर्नमेंट से नहीं रहेगा जो करंटली रहता है, इतना लिक्विडिटी इंजेक्शन नहीं किया जाएगा, और ये जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो समझते हैं, और इसी के कारण अब धीरे धीरे ग्लोबली एक टेक्टोनिक शिफ्ट बोल रहा हूँ मैं, टेक्टोनिक शिफ्ट धीरे धीरे होता है, ये इमीडिएट नहीं होगा, पर ये हो रहा है कि अब धीरे धीरे बैंकिंग में जो बहुत बड़ा पैसा ग्लोबली मैक्सिमम पैसा बैंकिंग सेक्टर में लगा हुआ है बड़े बड़े इन्वेस्टर का, वो मे बी आगे जाके धीरे शिफ्ट होगा टेक्नोलॉजी सेक्टर सेगमेंट में। दोस्तों ये जो ऑयल कंट्रीज है वो ऑलरेडी ये कर रही है, ऑयल कंट्री मतलब जो आपके ओपेक के नेशन हो गए या नॉर्वे हो गए, वो अब एक नई अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, आप धीरे धीरे इसके बारे में न्यूज़ भी सुनेंगे, ये अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल न्यू एनर्जी यहाँ पे अपना निवेश कर रहे हैं, वो बैंकिंग सेक्टर में निवेश नहीं करना चाहते हैं। रिसेंटली ये केस हुआ क्रेडिट स्विस का, वो उसका एक उदाहरण भी है कि बैंक यू सऊदी गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि वो अब नए पैसे नहीं देंगे क्रेडिट स्विस को, तो इसका क्या मतलब है कि वो अब बैंकिंग सेक्टर में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, उनकी इकोनॉमी डिपेंडेंसी रखती है ऑयल पे, तो अगर आपको ऑयल को सबसे ज़्यादा खतरा है वो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट से और न्यू एनर्जी सेगमेंट से, तो अगर आपको अपने इकोनॉमी को, अपनी मेजर जो उनका आउटपुट है उसको हेज करना है, तो आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, न्यू एनर्जी में निवेश करना पड़ेगा, और इसी के कारण आगे जाकर ये एक बड़ी थीम उभर के आ सकती है कि आप न्यू एनर्जी में निवेश कीजिए। ये असेट बैक एनर्जी होती है दोस्तों, जो बड़े बड़े सोलर ग्रीन यहाँ पे निवेश होता है उसमें एक्चुअल असेट होता है, बैंकिंग सेक्टर में यही प्रॉब्लम है, बैंकिंग सेक्टर में एक्चुअल में कोई फिजिकल असेट अवेलेबल नहीं है, ये पूरा का पूरा एक पेपर गेम है, और वहाँ पे थोड़ा सा जैसे डिपॉजिटर हट गए तो आपका असेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाएगा और आपकी कितनी भी अच्छी बैंक हो वो कॉलेप्स हो जाएगी। भारत में भी कितनी भी अच्छी बैंक हो, अगर कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर आके कह दे कि इस बैंक में इशू है और थोड़े बहुत डिपॉजिटर भी ATM के सामने लाइन लगा दे, तो इसका जो आफ्टर इफेक्ट आता है ये पूरा का पूरा स्पाइरल इफेक्ट होता है, बटरफ्लाई इफेक्ट भी कह सकते हैं आपको, कि एक छोटा सा इवेंट पूरी की पूरी बैंकिंग सेक्टर को या पर्टिकुलर बैंक को कॉलेप्स कर सकता है, कितनी भी अच्छी बैंक हो वो लिक्विडिटी क्राइसिस मैनेज नहीं कर पाएगी, और इसी के कारण ये बड़ा शिफ्ट हो रहा है जिसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल ये बड़ी थीम है। रिसेंटली भारत के मार्केट में एक टेक्नोलॉजी कंपनी है KPIT, रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, बट KPIT का चार्ट देखिए, जब पिछले 4-6 महीने से मार्केट नीचे जा रहा है, इवन टेक्नोलॉजी कंपनियां जो सर्विस में काम करती है वो भी गिर रही है, क्योंकि उनके भी क्लाइंट बैंकिंग में ही है मेजरली, बट KPIT अलग चल रहा है, ये ऊपर ही जा रहा है, तो यहाँ पे
क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, इनके एंड क्लाइंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कंपनियां है। तो ये जो KPIT है, ये एक उदाहरण आपको दर्शा रहा है कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। पैसे न्यू टेक में जा रहे हैं, ओल्ड टेक में नहीं, न्यू टेक में आपको समझना पड़ेगा। न्यू टेक ऐसी कंपनियां जो बहुत ही नीच एरिया में काम करती है, इनके क्लाइंट बैंकिंग के नहीं है, इनके क्लाइंट है ऑटोमोबाइल कंपनियां या फिर बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियां। तो वो आपको समझना पड़ेगा। अब टेक्नोलॉजी में भी निवेश करने से पहले आपको ये भी देखना है कि उनके एंड क्लाइंट कहाँ हैं। तो ये KPIT एक उदाहरण भारत में हो गया। बाहर में भी अगर आप देखें, जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कंपनियां हैं उनमें बड़ा निवेश आ रहा है, एनर्जी कंपनी में भी बड़ा निवेश आ रहा है। तो दोस्तों, ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट हो सकता है। होगा नहीं होगा कहना थोड़ा मुश्किल है, बट ये हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर में अभी जितने पैसे लगे हैं मे बी वो बने रहेंगे, बट जो नए पैसे हैं वो धीरे धीरे दूसरे सेक्टर की तरफ मूव हो सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, गोल्ड भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर ये भी असेट क्लास उभर के आ रहे हैं। लोगों का भरोसा धीरे धीरे US करेंसी से कम हो रहा है, और इवन ग्लोबली भी अगर आप बड़े न्यूज़ चेक करेंगे तो भारत भी बात कर रहा है कुछ OPEC कंट्री के साथ कि वो अब रूपी में ट्रेड करेंगे। हम रशिया के साथ भी उनके करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, और दूसरी कंट्रियाँ भी आप देखें तो US करेंसी के सामने अपने अलग से ट्रेड करने की कोशिश में है। ऑयल में भी अब हम शायद रूपी में ट्रेड कर सकते। तो अगर US करेंसी का इम्पोर्टेंस ग्लोबल मार्केट में कम होगा तो उसका इम्पैक्ट भी US बैंकिंग पे भी आएगा और ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर भी आ सकता है। दोस्तों, इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी में भी अगर आप देखें, फिर से उछाल देखा जा रहा है। उसका भी एक रीज़न है कि लोगों का भरोसा धीरे धीरे बैंकिंग सेक्टर से कम हो रहा है, और वो आपको क्रिप्टो दिखाता है क्योंकि वो पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज है। कितना डिसेंट्रलाइज है वो कहना मुश्किल है, और वहाँ पर अगर आप देखें बैंकिंग जैसा नहीं है। तो ये कुछ बड़ी चीज़ें हो रही है जो आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे अगर आप नया निवेश कर रहे हैं, जनरली पर्सनली मैं अपने पोर्टफोलियो में कोई भी बैंक नहीं रखता हूँ। यस बैंक का तकरीबन 5 साल पहले क्राइसिस हुआ था भारत में, तब से बैंकिंग सेक्टर में मैंने निवेश करना बिल्कुल बंद कर दिया है। अच्छी से अच्छी बैंक को दोस्तों, बैंक के CEO को, बैंक के मैनेजर को भी नहीं पता होता है कि उनके बैलेंस शीट में एक्चुअल में क्या है। फिजिकल लेवल पे, ब्रांच लेवल पे, कहाँ पे अगर आप देखें लेंडिंग हो रही है, वो कहना, उसको आंकना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर, और वहाँ पे एक छोटी सी चिंगारी पूरी की पूरी बैंक को कॉलैप्स कर सकती है। तो यहाँ पे ये एक लिक्विडिटी जो बड़ा रिस्क बनता है बैंकिंग सेक्टर में, इसके कारण पर्सनली बैंकिंग सेक्टर में मेरा निवेश नहीं है। NBFC में भी निवेश नहीं है, जनरली टेक्नोलॉजी में ज़्यादा हमारा निवेश रहता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, 15 साल 20 साल 30 साल के लिए आप देख रहे हैं, तो मे बी बेटर रहेगा कि आप भी ऐसे लॉन्ग टर्म में जो बड़ी थीम है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। बैंकिंग सेक्टर में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जनरली बैंकिंग गिरती नहीं है, बट जब गिरती है तब पूरी की पूरी बैंक एक साथ कोलैप्स हो जाती है। दोस्तों, जो डिपॉजिटर होते हैं वो ज़्यादा रिस्क अवर्स होते हैं, और जब भी छोटा सा भी उन्हें डाउट होगा तो वो बैंक रन करेंगे, और ये बैंक रन हमने देखा SVB बैंक को भी गिरा सकता है और भारत में भी कई बड़ी बड़ी बैंक को गिरा सकता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये आज का हमारा वीडियो है। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में अपने अभिप्राय हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए, और आप क्या सोचते हैं कि 20 साल 25 साल के बाद 50 साल के बाद बैंकिंग सेक्टर जो करंटली वो ऐसा रहेगा या नहीं रहेगा, आपके अभिप्राय भी हमें कमेंट में लिखिए लिखिए। और आप क्या सोचते हैं कि 25 साल 30 साल में कौन सी बड़ी टेक्टोनिक थीम हो सकती है जहां पे ये बड़े बड़े जो ग्लोबल पेंशन फंड है वो अपना निवेश करेंगे, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आगे जाके हम उस पर भी डिटेल में वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ अनुरोध रहेगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।